नाजो कितने सवेरे जले, नाजो ख्वाबों की लड़ियां चुने, नाजो फूलों के रस्ते चले। नाजो देखना जिंदगी आसान, नाजो मेरी जान। मैडम जिस रात से आप गई हैं, नाजो उसी रात से हॉस्पिटल में है। क्या क्या कह रही हो तुम? और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेहमान नवाजी की हमारी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग अचानक जा रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला। अगर पता होता तो मैं और नाजो दोनों मिलके आपकी मेहमान नवाजी करते। नाजो बेटा घर चले। आप इसे घर कैसे लेके जा सकती हैं? डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, दवाइयां भी दे दी हैं, घर पे देंगे जाके। हेलो आ जाओ बेटा, चलो शाबाश, इसको कमरे में ले जाओ, आराम कर लेगी ना। आ जाओ जी। आवा नाजो बेटा क्या हो गया है, हम सब यहाँ हैं। वो तो ऑफिस में है। इसको कमरे में ले जाओ। हाँ, कमरे में चलो आराम कर लो। हम टॉय देखते हैं, टॉय देखते हैं। अच्छा ऑफिस में खेलेंगे, ठीक है। देख के आराम आराम से। नाजो को घर लेके चली गई। ये लीजिए। ये क्या है? 70,000 है। किस लिए? आपने हॉस्पिटल का बिल दिया था ना? तो मैं वापस करने आई। रुको, ये तुम मुझे किस खुशी में दे रही हो? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं अकेले नाजो का ख्याल रख सकती हूँ। अच्छा, जैसे हमेशा रखा है तुमने, बचपन से तुम्ही ने तो सारे खर्चे भरे, मैंने तो कुछ किया नहीं है ना। मेरी खुदा से दुआ है कि वो मुझे इतना सब कुछ दे दे कि मैं आपका एक एक पैसा आपको लौटा सकूं। मेरी बात सुनो, तुम नाजो की माँ नहीं हो और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? लो ये पैसे वापस, चलो। हेलो हेलो, नाजो कैसी है?
हाबिल बात कर रहा हूँ। जी नाजो खुदा का शुक्र है अब ठीक है। That's great. उसने एक फरमाइश की थी गिटार की, वो मैं ले चुका हूँ तो हॉस्पिटल की तरफ आना चाह रहा था। नहीं वो हम लोग हॉस्पिटल में नहीं है, नाजो की छुट्टी हो गई है, घर पे हैं। ओह अच्छा, ओह दैट्स फैंटास्टिक, ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। बात करवाएं? वो सो रही है वरना जरूर बात करवा देती। अच्छा ओके, ऑलराइट, इज इट ओके अगर मैं घर चक्कर लगा लूं? एक्चुअली रहने, इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कीजिए एड्रेस नोट कीजिए। ओके ऑलराइट। नाजो की माँ नहीं हो और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? लो ये पैसे वापस। नाजो रातों के पर्दों के पार, नाजो कितने सवेरे जले, नाजो ख्वाबों की लड़ियां चुने, नाजो फूलों के रस्ते चले, नाजो देखना जिंदगी आसान आइए। आप यहाँ बैठे, मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम हाबील है और मैं जानती हूँ जानती हूँ, मैं आपको अस्पताल में देख चुकी हूँ। लेकिन मैंने आपको हॉस्पिटल में नहीं देखा। आप समरा और नाजो की वालदा? Nice to meet you. Nice to meet you too. दरअसल नाजो जब बीमार हुई थी ना तो मैं दुबई में थी, फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, लेकिन मैंने आपको देखा, आप गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहे थे। बैठो ना। Thank you. ये थैले में क्या है? ये जी अच्छा अच्छा, नाजो की कोई ख्वाहिश पूरी कर रही है ना? जी। वैसे समरा को कितने अरसे से जानते हैं? जी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई पहली दफा, मेरी बहन भी वहाँ एडमिट थी। खैरियत? अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, शुक्र अब ठीक है। इत्तेफाक से नाजो और मेरी बहन एक ही सेमी प्राइवेट रूम शेयर कर रहे थे। करते क्या हो? बिजनेस है जी मेरा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। समरा को बहुत पसंद करते हो ना? जी नाजो और समरा को बहुत पसंद करते हो? जी। मामा आए, आजो आजो, देखो कौन आया। ये देखो क्या लाया, ये देखो क्या। कुत्ता कुत्ता, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मम्मी ने आपसे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं की।
इसको ऐसे ऐसे गाया। ये हाथ इधर रखते हैं। अब गाना भी होता है। Very good. गाना भी होता है। मैं नाजो को जिंदगी में अकेला छोड़ दूंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? तुम जो भी कहो समरा, मैंने हबील की आंखों में तुम्हारे लिए बस करे मम्मी प्लीज। नाजो मेरी जान, नाजो मेरी जान, समरा को बहुत पसंद करते हो ना? जी हाँ। आओ समरा। आओ बैठो। हाबील कितना अच्छा लड़का है ना? तो तुमने कुछ सोचा? जस्ट बिकॉज वो अच्छा लड़का है आप मुझसे ये कह रही हैं कि उससे शादी के बारे में सोचो? मैं नाजो को जिंदगी में अकेला छोड़ दूंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? ये नामुमकिन बात है, ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपको मुझसे और नाजो से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और आई एम श्योर होती भी नहीं। आप आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, आप गुजारती रहें। मैं शादी नहीं करूंगी किसी से भी नहीं। खैर तुम जो भी कहो समरा, मैंने हबील की आंखों में तुम्हारे लिए बस करे मम्मी प्लीज। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं कि मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें, मैं नहीं करूंगी शादी। समरा को बहुत पसंद करते हैं। जी मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मैं भी। ये आपने मुझे तस्वीरें भेजी हैं। क्यों? किस लिए भेजी हैं? भाई इनमें से किसी एक को उमर की मामी बनना है। क्या? हाँ मैं तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी और ये तीन लड़कियां मुझे पसंद आई। अस्पताल से आने के बाद आप रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था? बस भाई बहुत देर हो गई। वैसे चार शादियों की इजाजत है तो एक और तस्वीर भेज दे। बहुत बदतमीज हो तुम। मजाक खत्म। एक लड़की सिलेक्ट करो, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उससे, बात आगे बढ़ाए। बस ना प्लीज, अभी नहीं अभी नहीं। No more excuses. आप प्लीज। नहीं। अच्छा एक और तस्वीर भेज दें। क्या लेकर आई हो तुम? ओह मेरा मेकअप।
क्या करना है आपने? क्या है ये? यस, ये है, मुझे लगाना है। अच्छा चलो लगाओ, चीक्स पे लगाते हैं, चीक्स पे करो करो करो। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। हाँ ऐसे। कैसे लगा? अच्छा लगा, लग रही हूँ मुझे। दुल्हन, आप मुझे दुल्हन बना रही हो? ओके चलो फिर थोड़ा सा और लगा दो, यहाँ लगा, यहाँ ऐसे और यहाँ पे। आप लग रही हैं ना दुल्हन? मुझे भी करना है एक मैं भी करूँ। हो गया। अब क्या करना है? चले। अच्छा शीशे की। अच्छा चल चल। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या है ये? दुल्हन बनाया मुझे। बहुत समझदार है और माशाल्लाह बहुत प्यारा भी है, तो लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो जचे उसके साथ, चांद सूरज की जोड़ी लगनी चाहिए। हाँ हाँ, आप बताइएगा मुझे, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ मेरे ऑफिस में? मीटिंग थी। ओह, मैं तो समझी थी आपका अपना बिजनेस है, तो आप बोटेक्स के लिए काम करते हैं। नाज़ो मेरी जान, नाज़ो मेरी जान। मैडम, आपके कौन से कपड़े प्रेस करवाऊं? नहीं आलिया, मैं सोचूं कि आज मैं दफ्तर ना जाऊं। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए कि आज मैं आपके लिए क्या पकवाऊं? अरे मैं दफ्तर नहीं जा रही, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ पका नहीं सकती। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से पकवा लेती हूँ। बहुत प्यारी लग रही थी। जब मैं भी दुल्हन बनूंगी तो इतनी प्यारी लगूंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। और नाज़ो, वो भी प्यारी लगेगी ना? हाँ बहुत प्यारी लगेगी। क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों सब्ज़ बाग दिखा रही हो बच्ची को? बेटा नाज़ो अकेली है ना, सो गई होगी, तुम उसके पास चली जाओ। हाँ शाबाश। क्या हो गया रियाज, बच्ची के सामने कैसी बातें करते हैं आप? क्या हमारी बच्ची इंशाल्लाह किसी दिन रुखसत होकर अपने घर नहीं जाएगी? कुछ नहीं होने वाला है सर, तुम्हारा ये ख्वाब दिल में ही रह जाएगा,
कोई नहीं लेके जाएगा उसे रुखसत करके। क्या मतलब है रुखसत नहीं होगी? ये जो पागल बच्ची तुमने पैदा की है ना, इसके नसीबों का साया उस बड़ी वाली पे भी पड़ जाएगा। सारी जिंदगी बैठी रहेगी, याद रखना तुम, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब हकीकत बनेगा और बहुत जल्द हकीकत बनेगा। काश आज तुम जिंदा होते रियाज, अपनी आंखों से देखते कि मेरी समरा के दुल्हन बनने का वक्त आ गया है, रुखसत हो जाने का वक्त आ गया। बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो, ना हाबील ने कुछ कहा है और ना ही समरा राजी है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द इनकी शादी हो जाएगी। बहुत जल्द अपनी समरा को रुखसत करने वाली हूँ मैं। काश तुम यहाँ होती ये सब देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बैठें प्लीज, बैठें। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप पर काम करने से एग्री कर लिया। Oh, that's fantastic. That's good news indeed. Yes, indeed. और लंच पर आपकी उनके साथ मीटिंग है जिसमें हुमायूं साहब आपको ज्वाइन करेंगे। Okay. बाकी रिपोर्ट आप रिव्यू कर लीजिएगा, उसके अंदर मैंने वो सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए जो एग्रीमेंट में होना मस्ट है। ओके ग्रेट, तुम फाइल लेके मेरे पास पहुंचो। श्योर है? मैं बजाऊं? कैसा बजाया? अच्छा लगा? हाबील ने दिया है। हाबे गीता तो अच्छा बच्चा है ना? अम्मा आ जाएगी ना, मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा देखो, हाबील अच्छा है ना, तुम्हारा ख्याल रखता है, कितनी मजे मजे की चीजें लाके देता है ना? तो ऐसे करते ना कि तुम समरा से कहो कि हाबील को बुला ले ताकि वो तुम दोनों को पार्क लेके चला जाए, क्या ख्याल है? हाँ पाक, शाबाश, ये लो बजाओगी? चलो चलो बजाओ बजाओ, शाबाश, गुड गर्ल। अम्मा सर, आईटी एग्जीबिशन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बहुत बड़े फ्लोर पर स्टॉल ले रहे हैं। तो बोर्डरूम तैयार है आपका मीटिंग के लिए? जी सर तैयार है। गुड। हेलो जी नौमान सर। अच्छा अच्छा ठीक है, आप उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोर्डरूम में बिठाएं, हम आ रहे हैं। सर वो वॉर्टिक्स वाले आ गए। ओके लेट्स मूव। समरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ मेरे ऑफिस में? मीटिंग थी। ओह, मैं तो समझी थी आपका अपना बिजनेस है, तो आप बॉटिक्स के लिए काम करते हैं। जी। Then I'll see you at the meeting. Yeah, sure. चलें।
ये है मिस्टर हाबील वजाहत, वॉर्टेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। आज हमारी कंपनीज के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और हमें अपनी कंपनी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट एफर्ट्स करनी होगी और मजीद चीजों की ब्रीफिंग आपको मिस्टर हाबील वजाहत और जिशान साहब देंगे। जी मिस्टर हाबील साहब जी, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वॉर्टेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइमरली फार्मास्यूटिकल में डील करती है। पापा ने मुझे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, मैं उन्हें आपकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ शादी के लिए। नाज़ो मेरी जान, नाज़ो मेरी जान। नाज़ो कितने सवेरे जले, नाज़ो ख्वाबों की लड़की। नाज़ो, नाज़ो कहाँ? अच्छा तो नाज़ो छुपी हुई है, अभी देखियो मैं नाज़ो कहाँ है। कहाँ है नाज़ो, कहाँ है, कहाँ है नाज़ो? आज तो नाज़ो ने कमाल ही कर दिया, खाना भी खुद खाया, अपना ड्रेस भी निकाला और खुद ही तैयार हुई। सो क्यूट, वेरी गुड। हाँ, जिसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत अच्छी बच्ची बन के रही है। नाज़ो तो गुड गर्ल है ना, गुड गर्ल है ना। आप दोनों बातें कीजिए, मैं रानी से कहती हूँ आपके लिए जूस बना देती है। चल, आपको पता है मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? कहाँ लेके जा रही हूँ? प्ले हाउस। आज प्ले हाउस का दिन है। हाँ हाँ, अबे 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 बाह, आबी के साथ। नाज़ो, आबी के साथ पार्क कल जाएंगे, आज हम लोग प्ले हाउस जाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे। आबी वाह, आबी वाह। जिद नहीं करो ना आबी को, फिर मैं फोन नहीं करूंगी, फिर मैं पार्क भी नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग प्ले हाउस चलते हैं और कल प्रॉमिस मैं आबी को फोन करूंगी और पार्क भी चलेंगे। ठीक है, गुड गर्ल, गुड गर्ल। वेरी प्रिटी, लुक सो प्रिटी। आज तो नाज़ो ने अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, गुड गर्ल है नाज़ो। हेलो जी हाबील, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो समरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया आज। तो इतने सरप्राइज की क्या बात है? नाज़ो कैसी है? बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज से वापस आ रही थी, बस गाड़ी में मेरे साथ ही बैठी है, घर जा रहे थे हम लोग। मेरा नाम ले रही है? जी बात कराओ।
नहीं आपको खामा खाई तंग करेगी ना मैं उसकी बातों से तंग नहीं होता प्लीज बात करो अच्छा भाभी हाँ हाँ जाएंगे ना मैं लेके जाऊंगा आपको पार्क ठीक है रेडी रहना आपने लगता है तुमने डिसाइड कर लिया क्या डिसाइड कर लिया शादी के बारे में ऐसी कोई डिसीजन नहीं ली मैंने फजूल की जिद है आबिल छोड़ दो से अब पर जिद नहीं है अब मेरा काम करने का टाइम है शादी वादी कोई प्लान नहीं है मेरा अच्छा मसलन कौन से काम करने थे मसलन उमर की शादी करनी है उसके बच्चे पाल पोस के बड़े करने हैं फिर उनकी शादी करनी है बस 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 तुमसे किसी सीधे जवाब की उम्मीद नहीं है मुझे इसलिए मैंने सोच लिया है कि उन तीनों लड़कियों में से मैं खुद ही डिसाइड करूंगी कि किससे तुम्हारी शादी होगी और प्रॉपरली रिश्ता लेके चली जाऊं क्या कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं और कल शाम तैयार है ना तुम्हें मेरे साथ चलना पापा अच्छा चलो फेंको फेंको वेरी गुड वेरी गुड किक करना है कि कैच करना है आप में से हर बात इसकी माना ना करें खुद से इतना करीब ना करें क्यों मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता है लेकिन मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना मजा आता है Truthfulness. Sorry, Nazo. Selflessness. इससे मिलने से, इसके साथ time spend करने से, रोकने से, तो मेरे साथ भी ज्यादती करी और इसके साथ भी. मैंने जिंदगी में कभी किसी पे इतना एतबार नहीं किया कि मैं नाजो के करीब होने दूं उसे. मम्मी पे भी नहीं. आंटी पे भी नहीं. अच्छा मुझे एक तस्वीर चाहिए आपकी मेरी तस्वीर का क्या करेंगे वो एक्चुअली पापा ने मुझे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी मैं उन्हें आपकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ शादी के लिए मुझे इस तरह का मजाक नहीं अच्छा लगता मैं मजाक तो नहीं कर रहा चलो नाजो घर जाने का टाइम आ गया नाजो घर जाने का टाइम आ गया ना अम्मा कह रही है घर जाना है आएंगे ना आएंगे आएंगे कल आएंगे पास मैं अपनी जिंदगी नाजो के लिए गुजारती हूँ इसमें और किसी के लिए जगह नहीं I'm really sorry अगर मेरी कोई बात बुरी लगी लेकिन हम दोनों भी तो इसके लिए जी सकते हैं जज्बात में किए गए फैसले देख पाने ये तो वक्त साबित करेगा हाँ ना तो घर चले हर शख्स को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है और होना भी चाहिए I'll respect whatever decision you make. चलो नाजो आलिया अस्सलाम वालेकुम मैडम वालेकुम अस्सलाम आप खाना खाएंगी तो मैं रानी से बोलूं खाना लगा दे आपके लिए नहीं नहीं मुझे बस सिर्फ चाय पिला दो अच्छा मैं कहती हूँ इतनी खामोशी कैसे मैडम वो समरा मैम और नाजो पार्क गए किसके साथ एक लड़का आया था अजीब सा नाम था उसका हाबिल
जी जी वही, उसी के साथ गई हैं। मैं रानी से चाय का बोलती हूँ। रानी, रानी, तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत है? ऐसी बात नहीं है। नहीं है, बस ये कि हम एक घर में साथ रह रहे हैं और वो भी मेरी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हारे साथ ना रहती। नाजो मेरी जान, नाजो मेरी जान। अच्छा नाजो, माँ को आपसे बात जो करनी थी ना, आप सुन रही हो ना? हाँ। अब आप हाबी के बारे में बात नहीं करोगी, ठीक है? हाब नहीं, हाबी के बारे में बात नहीं करोगी। अम्मा की बात सुननी है। हाबी नहीं, हाबी के साथ पार्क भी नहीं जाएंगे, और अब आप बात नहीं करोगी हाबी के बारे में। अम्मा नाजो, जिद नहीं करनी है, बस ये लो दूध पियो। लो पकड़ो, चलो। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं आज हाबील को साथ लेकर आऊंगी, तुम्हें भी बता दिया था और तुम गायब हो गए। पर मैं बस को अपने, तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत है? ऐसी बात नहीं है। नहीं है, बस ये कि हम एक घर में साथ रह रहे हैं और वो भी मेरी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हारे साथ ना रहती। पापा प्लीज प्लीज। हाबील, ये भी मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसा लो, अपनी जिंदगी संवार लो। मैं बहन हूँ तुम्हारी, ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है। कर लूंगा ना शादी। कब? जल्दी। लेकिन जिस किस्म की बातें आपने अभी की हैं ना, आप दोबारा इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपकी जो हैसियत है मेरे लिए किसी और की नहीं है। और क्यों मजबूरन रह रही हैं आप इधर? आपके भाई का घर है, हक है आपका। किस्मत ने जो आपके साथ किया उस पर मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन आपको सराहों पर बिठाना, आपकी हर बात की दिल से इज्जत करना, वो मेरे इख्तियार में है। फिर तुमने आज इस तरह क्यों किया मेरे साथ? क्योंकि मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा। सच में? तुम मुझे मिलवाओ जल्दी से, बल्कि कल ही मिलवा दो। अभी नहीं मिलवा सकता, बाद में। क्या मतलब है? प्लीज समझने की कोशिश करें ना, अभी सही टाइम नहीं है। अच्छा कम से कम नाम ही बता दो। नाम भी बताऊंगा, मिलवाऊंगा भी, शादी भी कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा सबर। कितना? ओके ठीक है, I'll wait. But I'm happy. I'm glad. जो भी कहो समरा, मैंने हाबील की आंखों में तुम्हारे लिए बस करे। मम्मी वो एक्चुअली पापा ने मुझे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, मैं उन्हें आपकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।
तुम नाजो की खातिर मुझे छोड़ सकती हो और मैं नाजो की खातिर तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैंने हाबिल से शादी करने का फैसला कर लिया। अब मैं समरा से शादी करना चाहता हूँ। उस पागल लड़की की बहन। नाजो ठीक है ना? आलिया तुमने बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया? ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप माँ नहीं है, जल्लाद है। समरा मेरी खामोशियों में है कई राज सहमे हुए। वो लड़की तुम्हारा घर नहीं बना सकेगी। मैं डिसीजन ले लिया। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं कमजोर पड़ती जा रही हूँ। मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने दूंगा समरा। समरा भी बहुत खुश है क्योंकि आज बड़े अरसे बाद किचन में जाके उसने अपने हाथों से खाना बनाया सबके लिए। इसीलिए दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे भाई को फंसा लिया। नाजो देखना, नाजो देखना।